जय जय श्री सीताराम। आज कलिकाल में हर मनुष्य दुखी है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि संसार दुख रूप है, दुखालय है, सुखालय तो है ही। तो यहां पे हर मनुष्य दुखी है, लेकिन मनुष्य के दुख का कारण क्या है? यदि संसार दुख रूप है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यदि संसार दुष्ट दुख रूप है, तो इसी संसार में आके भक्तों ने सुख का अनुभव भी किया है, सुख को आनंद को भक्तों ने प्राप्त भी किया है इसी संसार में रहते हुए। अर्थात भले ही संसार दुष्ट और दुख रूप है, लेकिन फिर भी सुख की प्राप्ति यहां से हो सकती है, आनंद की प्राप्ति इस संसार में हो सकती है। मनुष्य को दुख देने वाला और कोई नहीं, मनुष्य का अपना संकल्प है। संकल्प कैसा? संकल्प अर्थात ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो मन की भावनाएं है ना, मनुष्य को यही दुख देती हैं। यदि मनुष्य इन सब भावनाओं को छोड़ दे तो वो योग की उच्चतम अवस्था को सहज ही रूप में प्राप्त कर जाएगा, समता को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मनुष्य स्वयं ही संकल्प करके मुफ्त में ही दुख पा रहा है, कोई दुख देने वाला है नहीं, लेकिन संकल्प कर लेते हैं और संकल्प करने के पश्चात फिर दुख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि संकल्प किया तो पूरा हो जाएगा। संकल्प का तो नियम यह है कि जो संकल्प पूरे होने वाले हैं वो पूरे होंगे, और जो नहीं होने वाले हैं वो पूरे नहीं होंगे, चाहे आप संकल्प करें अथवा ना करें। जितने भी संकल्प किए जाते हैं वो सभी के सभी संकल्प कभी किसी एक के पूरे नहीं हुए, और ऐसा भी कोई मनुष्य नहीं है जिसका कोई भी संकल्प पूरा ना हुआ हो। अर्थात थोड़े थोड़े संकल्प सबके पूरे हो जाते हैं और कुछ संकल्प सबके अधूरे रह जाते हैं। ये विधान सबके लिए है, एक समान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो जैसा हम चाहें वैसा ही हो, ये बात नहीं है, जो होना है वही होगा, जो होना है वही होगा। भैया हो ही सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बड़ा वैसा का। और शंकर जी तो माता जब सती को समझा रहे थे तो माता सती शंकर जी के समझाने पर भी नहीं माने। नहीं नहीं हम तो परीक्षा लेंगे, हम कैसे मान लें कि भगवान है? नहीं, हम पहले परीक्षा लेंगे। तो शंकर जी ने कहा कि ठीक है भाई, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। तो भगवान की इच्छा जो है वही होती है, उसको शंकर जी भी मिट नहीं सकते। यदि अपना कुछ भी संकल्प नहीं रखें तो जो होने वाला है वो हो जाएगा, और जो नहीं होने वाला है वो नहीं होगा, और जैसा तुम चाहो वैसा ही हो जाए, ये तो किसी के बस की बात है भी नहीं। तो फिर क्यों संकल्प पढ़ना, क्यों दुख को आमंत्रित करना? यदि मनुष्य संकल्प का त्याग कर दे तो सहज ही योग अवस्था को प्राप्त हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए, भक्त हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ये मानव देह सफल हो जाए। कुछ भी करना, कुछ भी जानना, कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहे, बस इतनी सी बात से कि मनुष्य संकल्प का त्याग कर दे। बस संकल्प का त्याग कर दिया और मनुष्य को सब कुछ प्राप्त हो गया, भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी,
सहज योग की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, केवल इतना। और इसमें एक और उत्तम बात हो सकती है, संकल्प तो छोड़ दिया लेकिन उसमें भी एक उत्तम बात यह है कि अपने संकल्प को भगवान के संकल्प पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो कि जैसा वो करें वैसा करें, जैसा वो चाहे वैसा करें। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, सीताराम 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 कही। भगवान ने देखिए कहा भी है कि कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। जब फल में अधिकार नहीं है तो फल का संकल्प क्यों करना, हमारा इसमें अधिकार नहीं है। यदि अपना कोई भी संकल्प ना रहे तो मनुष्य मनुष्य सुखी हो जाए। रजत जी महाराज का बड़ा सुंदर दोहा आता है। रजत जी महाराज ने कहा एक दिन कि रज्जब रोष न कीजिए, स्वयं से कह रहे हैं कि रोष मत करो, किस बात का दुख कर रहे हो संसार में। तो कोई कहे क्यों ही, रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों ही। तो किसी ने पूछा कि भाई क्यों क्यों महाराज जी रोष क्यों ना करो, तो हंसकर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूं ही, बस यूं ही, क्यों रोष करना, बस यूं ही नहीं करेंगे रोष। तो भगवान के संकल्प में अपना संकल्प मिला दो, जैसा होना है वैसा हो जाएगा, क्यों मन को हम विचलित करें। स्वयं को भगवान के आश्रित कर दें, भगवान के संकल्प के आश्रित कर दें, भगवान के संकल्प से जो होगा वो उत्तम होगा, वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या बेठीक है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होती है मन में कोई कामना उठना और एक होता है संकल्प का, एक कामना और एक संकल्प। कोई बात मन में आ गई, कोई बात मन में आ गई, कोई इच्छा मन में आ गई, तो वो होगी एक कामना, और ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए ये हो गया संकल्प। संसार की जो भी कामनाएं हैं वो भी संसार की भांति हैं, वो भी नित्य नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, भक्त लोग कहते हैं कि क्रोध हमारा पीछा नहीं छोड़ता, काम पीछा नहीं छोड़ता है, और क्रोध है, इच्छाएं हैं, लोभ है, ये सब हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए ये सब जो कामनाएं हैं ये संसार की कामनाएं हैं, संसार की ही भांति हैं। जैसे संसार में कोई भी वस्तु नित्य नहीं है, उत्पन्न होती है समाप्त होती है, उसी प्रकार ये कामनाएं हैं, ये कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं और समाप्त होती रहती हैं। और जिस कामना को आपने पकड़ लिया वही कामना संकल्प बन जाती है, और वही कामना जब संकल्प बन जाती है तो वही कामना संपूर्ण पाप और दुखों की जड़ बन जाती है। कितनी सीधी सरल बात है। अब भाई आप कितना भी उचित समझो अनुचित समझो, जो होना है वो होगा, जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति होने वाली है वो भी होंगी। भाई सर्दी है, भी सर्दी है जाने वाली है जाएगी, गर्मी आने वाली है आएगी। उसी प्रकार जिस प्रकार सर्दी आना सर्दी जाना, गर्मी आना गर्मी जाना आपके सुख दुख के अधीन नहीं है, ये तो हमने मान लिया। अरे गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी में बड़े बहुत परेशान रहते हैं, दुख मान लिया। सर्दी है, अरे बहुत ठंडी लगती है, दुख मान लिया, परेशान है। तो वो आपके सुख और दुख के अधीन नहीं है। आप सुखी हो जाओ वो तो भी आएगी, और आप दुखी हो जाओ तो भी आएगी, उसका आना उसका जाना
आपके सुख दुख के अधीन नहीं है। इसी प्रकार आपका जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध का फल आएगा ही आएगा। आप सुखी हो जाओ तो भी आएगा और दुखी हो जाओ तो भी आएगा। जो नहीं होना है वो नहीं होगा, जो होना है वो होगा। जो होना हो होना है उसे आप रोक नहीं सकते, उसे बस आप देख सकते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य वही है, चतुर मनुष्य वही है जो अपना कोई संकल्प नहीं रखता। वही सीधी सी बात है, अपना संकल्प नहीं रखेंगे तो निहाल हो जाएंगे, और संकल्प रखेंगे तो दुख पाएंगे, तो दुख मिलेगा। अनुकूल है तो अनुकूल में राजी हो जाना कि भाई बड़ी अच्छी परिस्थिति है, और कोई प्रतिकूल है तो प्रतिकूल में नाराज हो जाना, क्रोध करना, ये तो दोनों ही हमने दुख के ही कारण बना लिए हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की इंद्रियों के जो विषय हैं ये अनुकूलता और प्रतिकूलता, अनुकूल परिस्थिति और आपकी प्रतिकूल परिस्थिति, इसके द्वारा ही सुख और दुख को देने वाले हैं। लेकिन ये सदा रहने वाले नहीं है, ये आने जाने वाले हैं और अनित्य हैं, ये सदा रहने वाले नहीं है। इसलिए यदि उनको सह लिया जाए तो कुछ ही समय में वो समाप्त हो जाते हैं। उस दुख और सुख की परिस्थिति में जो मनुष्य समान रहता है, इन सुख दुख की परिस्थिति से विचलित नहीं होता, भगवान की कृपा पर, भगवान के आश्रय पर पूर्ण विश्वास रखता है, जिसके मन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, वो उसका कल्याण हो जाता है, अब उसी क्षण मुक्ति का पात्र हो जाता है। मुक्ति तो जब होगी तो होगी, लेकिन पात्र वो अभी हो गया। जैसे आपको कहीं यात्रा करनी है, आपने ट्रेन का टिकट करवा लिया 3 महीने पहले, लेकिन जाना आपको 3 महीने बाद है, तो उस ट्रेन में उस दिन उस सीट पर यात्रा करने के आप अधिकारी हो गए, आप उसके पात्र हो गए, जब समय आएगा तो आप यात्रा भी कर लोगे। उसी प्रकार इस प्रकार का मनुष्य उसी क्षण मुक्ति का पात्र हो जाता है। मुक्ति तो जब होगी तो हो जाएगी। देखिए संकल्प हम जो भी करते हैं उसकी दो ही गति होती है, कभी तो वो पूरा होकर समाप्त हो जाता है और कभी बिना पूरा हुए ही मिट जाता है। आपने संकल्प किया, पूरा हो गया तो भी समाप्त हो जाएगा और नहीं पूरा हो गया तो भी समाप्त हो जाएगा। जैसे आपके मन में काम इच्छा हुई, लोभ की इच्छा हुई, क्रोध की इच्छा हुई, कोई अन्य विकार आ गया, पहले तो मन में ये जान लीजिए कि वो स्थायी नहीं है, वो स्थायी नहीं है, वो क्षणिक है। उस समय यदि आपने अपने मन में ये संकल्प बनाए रखा कि ये तो क्षणिक है, यदि इस समय मैंने थोड़ा संयम से काम ले लूं, इसके वश में ना हूं, तो ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, ये मुझ पर सदा के लिए रहने वाला नहीं है, क्योंकि इसका स्वयं का अस्तित्व भी सदा के लिए नहीं है। तो कोई भी ऐसा विकार मन में आया, चैत्य में आया, स्वभाव में आया, तो वहां पे संयम रखिए और देखिएगा कि कुछ ही समय में वो विकार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। इसे मैंने कहा ना कि कोई भी संकल्प उत्पन्न हुआ वो समाप्त होना है, पूरा हो जाएगा तो भी समाप्त हो जाएगा, और यदि पूरा नहीं हुआ तो भी वो संकल्प कुछ समय के पश्चात समाप्त हो ही जाएगा। कामनाएं मनुष्य की चाहे जैसी भी हों, वो कामनाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। जैसे वायु आई, हवा आई, चली गई, ठंडी आई चली गई, गर्मी आई चली गई, वर्षा आ गई वो भी चली गई, आंधी आई वो भी चली गई। उसी प्रकार मन में मनुष्य के विभिन्न प्रकार की कामनाएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं, और जहां जिस जो कामना जिस विकार के रूप में आई, आपने जैसे ही उस कामना को पकड़ लिया, वो कामना आपका संकल्प बन गई।
संकल्प बन गई तो पूरी हुई तो सुख हो गया और नहीं पूरी हुई तो दुख हो गया। यदि उस आपने उस कामना को पकड़ा नहीं होता तो आप सुख अथवा दुख के पात्र नहीं होते, तो आप योग की स्थिति में स्थिर रहते। तो मन में कभी भी कोई भी कामना हो, पहली सावधानी ये रखिए कि कामनाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जब तक हम उस कामना को स्वीकार नहीं करेंगे वो हमारा संकल्प नहीं बनेगी। आप छोड़ देंगे तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, पकड़ लोगे तो वो संकल्प बन जाएगी, संकल्प से फिर कामना उत्पन्न हो जाएगी। जैसे रास्ते में जा रहे हैं, कोई वृक्ष पड़ गया, कोई नदी पड़ गई, कोई पत्थर पड़ गया, भाई सब मार्ग में मिल रहे हैं ना। जैसे इसको और सरल शब्दों में समझिए, जैसे मान लीजिए दो मित्र हैं, दो मित्र सड़क मार्ग से होते हुए कहीं जा रहे हैं, सामने दोनों की मंजिल है, दोनों उस मंजिल की जा रहे हैं। मार्ग बड़ा सुंदर है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं मार्ग में, फल से फूलों से लदे हुए, सुंदर पर्वत हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, सुंदर नदियां बह रही हैं। यदि उनका संकल्प दृढ़ है कि नहीं, हमें तो अपने मार्ग पर निरंतर रूप से चलना है, हमें इन परिस्थितियों के वशीभूत नहीं होना है, तो क्या होगा, वो अपने मार्ग पर चलते चलते शीघ्र ही अपना जो गंतव्य है, अपनी जो मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ, मार्ग में आगे बढ़े, वृक्ष मिल गया, कोई पत्थर मिल गया। अब एक मित्र को दिखा, अरे ये पत्थर तो बड़ा सुंदर है, ये पत्थर तो बड़ा सुंदर है। मित्र ने कहा, विलंब मत करो, तुम कहां पत्थरों के पीछे पड़े हो, चलो जल्दी चलो, विलंब हो रहा है, देर हो जाएगी। अरे रुको रुको यार, कितना सुंदर पत्थर है, देखो भाई, कुछ भी कहें, इत्तेफाक कहें, जो भी कहें, गलती से उस मित्र के हाथ से वो पत्थर गिर गया, या ये मान लीजिए भाई उस मित्र के हाथ में एक कड़ा था, एक अंगूठी थी जो कि लोहे की थी। जैसे ही उसने उस पत्थर को उठाया और उस पत्थर को उसने अपने मित्र के कहने पे फेंका, तो उसने देखा कि उसके हाथ की जो अंगूठी है वो सोने की हो गई। अब उसने विचार किया कि ये तो लोहे की थी, ये सोने की कैसे हो गई, ये सोने की कैसे हो गई, हो ना हो वो पत्थर पास पत्थर है। उसने तुरंत मित्र से कहा कि रुक जा रुक जा रुक जा, वो पत्थर जो तूने फिकवा दिया वो पास पत्थर था, और मुझे लगता है कि यहाँ पे अब एक नहीं, यहाँ पे और भी पास पत्थर होंगे, हमें रुक कर देखना चाहिए। यदि मित्र समझदार है, उसके मन में अपनी गंतव्य के प्रति दृढ़ता है कि नहीं मुझे रुकना नहीं है, मुझे किसी भी कामना किसी भी लोभ के वशीभूत नहीं होना है, तो वो अपने मार्ग पर चलता रहेगा। और जो रुक गया वो फिर अब वो पत्थर ही बीनेगा, अब वो पहुंचेगा नहीं। तो उसी प्रकार से भक्ति मार्ग होता है, भक्ति मार्ग में भक्त के हृदय में भांति भांति के संकल्प बनते बिगड़ते रहते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन जब आप भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, भक्ति की साधना के मार्ग में चल रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मन में जो भी संकल्प बनते बिगड़ते उन पर ध्यान नहीं दिया जाए, उन पर ध्यान ना देकर अपनी जो भक्ति मार्ग है, अपनी जो साधना पद्धति है, केवल उसको ही स्वीकार करके, केवल उसको ही स्वीकार करके अपनी भक्ति मार्ग में दृढ़ता से आगे बढ़ा जाए, तो अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति शीघ्र होती है। देखिए काल है, समय है, ठीक है, विश्राम करने से पहले अंत में दो पंक्तियां, काल है, समय है, वो सबको खा रहा है, कोई भी रुकने वाला है नहीं। अच्छे विचार आएंगे तो उनको भी काल खा जाएगा, और बुरे विचार आएंगे तो भी उनको भी काल खा जाएगा, वो सब कुछ खा रहा है, उससे कुछ भी बचा हुआ नहीं है। मन में कोई बुरा विचार आ गया, थोड़ा सा ठहर जाओ, रुक जाओ, ऐसा होने से जो काल की गति है ना,
यदि आप वहां पर रुक गए, भले ही मन में कोई बुरा विचार आ गया, आप वहां पर रुक गए, आप ठहर गए, तो काल कुछ समय के पश्चात उस बुरे विचार को भी खा जाएगा, वो समाप्त कर देगा, आपका मन फिर से पवित्र हो जाएगा। और कोई अच्छा विचार आ गया कि ये करेंगे, तो अच्छे विचार आ गया तो अब वहां पर प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि संकल्प नहीं करना है, अब संकल्प नहीं करना है, मन में कोई संकल्प नहीं करना है, यह भी तो एक प्रकार से संकल्प ही है कि मैं संकल्प करता हूं कि अब मन में मैं कोई संकल्प नहीं करूंगा। तो मन में कोई अच्छा विचार आ गया तो उसको तुरंत कर लो, इससे पहले कि परिस्थितियां बदले, माया का प्रभाव हो जाए, माया फिर से बुद्धि को विकृत कर दे, उससे पहले उस अच्छे विचार को अपने जीवन का अपना संकल्प बना लो कि अब मुझे ऐसा ही करना है, इससे पहले कुछ परिवर्तित हो उसको अपना संकल्प बना लो। क्योंकि काल, जैसे मैंने कहा, वो काल सब कुछ खा रहा है, वो देर नहीं लगाएगा, आपके मन में कैसा भी विचार आएगा वो कुछ ही समय में उस विचार को भी नष्ट कर देगा। इसलिए संकल्प कर लीजिए ये कि हमें भगवत प्राप्ति की सेवा दूसरा कोई संकल्प नहीं रखना है, और इसके अतिरिक्त जितने भी संकल्प शुद्ध अशुद्ध जितने भी मन में आ रहे हैं उन सबको स्वीकार नहीं करना है, एक रस होकर एक भाव से अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है और भगवान के अनुकूल बनना है, उनके प्रेम को प्राप्त करना है। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।